हमारे लक्ष्मी पहाड़ी जो कि गुरुजी को अपना प्यार भरा हो चुकी है गुरुजी की मिठाई फाइनली, हम भी चलते हैं घर को। लो जी पहुंच चुके हैं मेरा रोड तक। अरे यहाँ झुमर की फसल देखिए बहुत बढ़िया। तो चलो जी दोस्तों, फाइनल स्टेप आप शुरू हो चुका है, गुरुजी की विदाई करते हैं ठीक यहाँ से मोटर रोड तक। अरे बच्चों तुम भी आ जाओ सब, आ जाओ बैठो बेटा सब, आ जाओ सब आ जाओ। क्या देखो तो सबकी ग्रुप फोटो यहाँ पर लेके हुए इस बात गुरु जी हमारे जितने हमारे गांव वाले ग्रुप फोटो यहाँ पर जितने भी हैं आज इस समारोह में आए, मैंने इतना सम्मान करा उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों आज हमारे गुरु जी की विदाई हो रही है प्राइमरी स्कूल डोरिया, तो जा रहे हैं गुरु जी को विदा करने सभी गांव वाले। तो चलो चल के मिलते हैं आपको स्कूल में और करते हैं गुरु जी की विदाई सक्सेसफुली यहाँ से ठीक है। तो मेरे हाथ में एक माला है, तो चलो चलते हैं स्कूल में। ताई हमारी तो पूरा बैग भर के ला चुकी है, पता नहीं क्या क्या लेके आई गुरु जी के लिए। सामने हमारे अध्यक्ष श्रीमती कवित्री देवी, तो सभी लोग पहुंच चुके हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। तो ये हमारे स्कूल का नाम रहा राजकीय प्राथमिक विद्यालय डोंरिया सेंट पौड़ी गढ़वाल। तो हमारी मंडारी गुरु जी की आज यहाँ से पोस्टिंग होने जा रही है ठीक पौड़ी की तरफ, तो हम सभी लोग मिलकर आज उनको माला अर्पण करके अच्छी तरह से उनकी विदाई करने जा रहे हैं। तो कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं, उनका वेट किया जा रहा है। तो चलो ठीक है। तो ये सामने हमारी भोजन माता आज जो अंदर जा रही हो अध्यक्ष रही स्कूल की वर्तमान। हाँ वो तो सही बात है। जी जी हाँ, कार्यक्रम आयोजित करी और सामानों की आपूर्ति पूरी की, उसमें आपका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला अध्यक्ष भी आप रहोगे शायद, आज अध्यक्ष चुनाव अच्छा अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी तो चलते हैं अंदर की साइड बैठते हैं, दिखाते हैं आपको गुरु जी की। हेलो सर, क्या हाल है? ठीक है। और पहुंच गए? पहुंच गए जी, पहुंच गए। राजकीय प्राथमिक विद्यालय डोरिया आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे प्रभारी प्रधान अध्यापक महोदय श्री देवेंद्र सिंह भंडारी जी का ट्रांसफर राजकीय प्राथमिक विद्यालय झटकंडी ब्लॉक कलजी खाल में हुआ है। श्री देवेंद्र सिंह भंडारी जी की जो फर्स्ट ज्वाइनिंग थी वो शायद इसी विद्यालय में थी। उनका जो फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई थी शायद से अगस्त 2017 के आसपास हुई थी। तो उन्होंने अपनी पूरी सेवा काल का अभी तक जितनी सेवा हुई है लगभग 7 साल उन्होंने राजकीय प्राथमिक विद्यालय डोरिया को दी है। और इस अवधि के दौरान जो देवेंद्र सिंह भंडारी जी थे वो एक कर्मठ शिक्षक, अभिभावक और एक मार्गदर्शक के रूप में हमसे जुड़े रहे, और हम उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि आगे भी हमारे साथ निरंतर रूप से जुड़े रहें। और हम ये आशा करते हैं सर आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। ठीक है सर, तो अब जो सर बोलेंगे तो सर अपने विचार रखेंगे सर।
और लोगों से बोलना आप लोगों को। जो मन में हो बिल्कुल, आज तो मैं मेहमान हूँ आप लोगों का। आज मैं मेहमान हूँ इस तरीके से आप लोगों का। गुरु जी हमारे स्कूल जब बड़ी आई ठीक ठाक से रही, हम तो भी बढ़िया लगी कि हमारे स्कूल में गुरु जी आएंगे। अब गुरु जी आ जान बढ़ गई तो हम तो जरा दुख सुना दुख होना चाहता कि गुरु जी आज हमें स्कूल में जान बढ़ गई। तो इनसे गुरु जी देर में आई टाइम से आई पैसे भी आई गुरु जी बच्चा पढ़े छे अपना कार्यकाल अच्छी तरह से निभाया उन्होंने। धन्यवाद और छोटे बच्चों को बहुत सारा प्यार, आप लोग कितने सारे यहाँ पर इकट्ठित हुए। तो आज हमारे लिए खास दिन इसलिए है कि हमारे भंडारी गुरु जी की विदाई यहाँ से होने जा रही है। तो आज मेरे हिसाब से 7 साल हो चुके सर, 7 या 8 साल हो चुके। तो उन्होंने इस स्कूल की नींव बहुत अच्छे से बिछाई थी और स्कूल को बहुत अच्छे लेवल तक लेकर गए, इस बात से हमें बहुत खुशी हुई। और हम बाकी टीचरों से भी मैं उम्मीद रखूंगा कि वे अपने उम्मीदों पर खड़े होंगे और हमारे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखेंगे। और साथ में अभिभावकों से भी निवेदन है कि अपने बच्चों को भी घर से भी सपोर्ट करना। बाकी हमारे टीचर सर ने तो बहुत ही अच्छा कार्य निभाया, तो बहुत दुख भी हो रहा क्योंकि आज हमारे बच्चे बड़े यहाँ पर नहीं पढ़ते, लेकिन उनकी शुरुआत भी इसी स्कूल से हुई थी। तो हमें उनका पाठ पूरी तरह से याद है और उनकी कृपा से हमारा बच्चा आज 12वीं में पढ़ रहा है, 1 8वीं में पढ़ रहा है। तो बहुत आशीर्वाद उनका भी मिला, बहुत अच्छा लगा हमें। बाकी ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं विदा लेता हूँ। और कोई अध्यक्ष साहब हमारे कुछ बोलना चाहेंगे या भोजन माता तो प्लीज यहाँ के दो साथ बोलने का काम कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे भंडारी गुरु जी को। और उनका हम सब जितनी भी हमारे में सभी उनको हम साधारण प्रणाम कर निकाले कि उन माँ बच्चा मंदा रही छोटे बट पड़े ही आ रहा था कि माँ बच्चों को ही बहुत बढ़िया रहा है। और जो भी हमारे बच्चा मंदा जन भी स्कूल में कार्यक्रम करी पहले गुजी गई हमारे साहु गुजी आई जोश गुजी आई पर मधोल गुरु जी आई पर कोई नहीं कहे 4 दिन कोई पर कुछ नहीं कहे पाटी भंडारी धन्यवाद भंडारी गुरु जी को कि जो 7 साल 8 साल हमारे स्कूल में विद्या और हम मतलब कह गुरु जी मगर इन कर रहा हूँ जा भी हमेशा कह रहे कष्ट खाया बोलो पैदल रास्ता आई कभी गाड़ी बट आई पर हमारे बच्चों को मतलब स्कूल में हमारा बच्चा जो भी सही वे में ठीक है। और जो भी हमारे जो लड़का लड़की हमारे बाबा अटपन बढ़ गई सबसे बढ़िया हमारे सोनिया कहे तो मतलब सबसे बढ़िया इनाम दे मतलब 5 में मतलब बैग दे पर बहुत धन्यवाद गुरु जी तुम गुणी तुमने माँ बोच मतलब इतना बढ़िया है समाज भी सबसे बढ़िया। अब हम घर पर तो चला बैग पकड़ा चलो स्कूल पर अपना अपना बच्चों भी हम देखें जी की गुरु जी काम दी कि निधि पर गुरु जी हमेशा मतलब हमारे हमारे बच्चों काम भी चाक करनी। और अब दूसरे गुरु जी ऐसे मारे पर गुरु जी भी अब जिन गई गुरु जी मतलब उन गुरु जी भी उनका माँ बोच मतलब चलो आगे दो शब्द बोलने के लिए।
नहीं दूसरे देखो यहाँ पर दो मॉडल है, अब उन मॉडल में हम क्या करेंगे? और इच्छुक लोगों के मॉडल गाँव महाराज हो गए जैसा जितने भी हैं आज इस समारोह में आए, मेरा इतना सम्मान करा उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही हमारे जो सहयोगी गुरु जी हैं उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित करा उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको पता ही है कि मेरी प्रथम ज्वाइनिंग इसी विद्यालय में हुई थी 2017 में, और तब से अब तक इस विद्यालय में मुझे आज मेरा 7 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। जब प्रथम ज्वाइनिंग मेरी इस विद्यालय में हुई थी उस टाइम जब मैं ज्वाइन करने आया था तो सबसे पहले तो इतना लंबा रास्ता, तो शुरू के जो कुछ समय थे 2-4 महीने तो ऐसा लगा कि क्या हो गया, कहाँ आ गए, कैसे कटेगा जी। पर धीरे 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 जैसे जैसे समय बीतता गया यहाँ से लगाव होता गया, हमारे जितने भी ग्रामवासी है सबका मुझे बहुत सहयोग मिला, सबने हमारे को बहुत सहयोग दिया, चाहे मैं कभी लेट हुआ जल्दी आया सबने सहयोग दिया, किसी ने ऐसा कोई कार्य नहीं करा जिससे कि हमें बुरा लगे। इसी तरह हमारा इतना लंबा सफर बड़े आराम से कट गया क्योंकि ये थोड़ा दूर का स्कूल है तो गुरुजी में एक तो सिंगल रहता है तो उसमें बहुत सी समस्याएं आती है और काफी हमारे पे प्रेशर भी रहता है, फिर आना जाना, फिर नया माहौल जब हम आए थे उसमें ढलना, उसके बावजूद भी आप ग्रामवासियों ने उनके अभिभावक ने हमें सहयोग दिया साथ दिया, और जब भी मैंने कुछ कार्य के लिए बोला तो हर किसी ने करा, चाहे मैंने कभी बोला हो कि स्कूल के बहुत से कार्य रहते हैं सबने अपना सहयोग दिया। साथ ही हमारे भोजन माता इतने लंबे समय से कर्मचारी है उन्होंने भी हमारा साथ दिया, कभी मैं जल्दी चला गया तो मैंने बोला कि मुझे बैंक का काम है तो बच्चों को संभाल देना तो उन्होंने बच्चे संभाले खाना खिलाया, तो इसी तरह हमारा 7 साल का कार्यकाल, 1 साल तो ऐसा लगा था शुरू का कि कैसे बीतेगा, जैसे 1 साल बीता और आज 7 साल हो गए पता ही नहीं चला कि समय कैसे बीत गया। और हमारी प्रथम ज्वाइनिंग यही थी, प्रथम स्कूल यही है तो सब जानते ही, और होता ही है कि जहाँ प्रथम ज्वाइनिंग होता है प्रथम स्कूल होता है वो जीवन भर हमें याद रहता है, वहाँ की यादें जी, सब बच्चे उनका खेलना रोना धोना जो भी है तो ये यादगार पल हमारे साथ हमेशा रहेंगे क्योंकि मेरा प्रथम ज्वाइनिंग स्कूल है। अब बीच के तो जो भी स्कूल है वहाँ पर जहाँ हमने पहली ज्वाइनिंग ली जी उसके ग्रामवासियों के साथ हमारा व्यवहार, सबने इतना सहयोग दिया, दुख सुख में हमारे साथ रहे, कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करा कि गुरुजी को उसमें विपत्ति आए, तो इस सभी सहयोग के लिए आप सभी ग्रामवासियों को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही ये कहना चाहता हूँ कि इतने लंबे कार्यकाल में यदि मेरे से कोई गलती हो गई हो या किसी को मेरी बात का बुरा लग गया हो जाता है कभी कि हम पे भी बहुत प्रेशर होता है, हम भी परेशान होते हैं, क्या पता कुछ बुरा भला निकल गया हूँ मुझसे जाने अनजाने में, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आपसे इन्हीं बातों के साथ आज मैं विदा लेता हूँ, आपके साथ मेरा जो मतलब कनेक्शन रहेगा वो तो हमेशा बना रहेगा, मिलना जुलना बातचीत या कभी हम कहीं मिले ये कनेक्शन तो हमेशा बना रहेगा, एक बार जुड़ गया तो हमारे साथ इतनी अच्छी यादें हैं इस गांव की तो ये हम अपने साथ ले जा रहे हैं। और आप सभी ग्रामवासियों का आज यहाँ आए इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए मुझे इतना सम्मान दिया मुझे इतना प्रोत्साहन दिया तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार है। और आगे आपको भेंट होती रहेगी बातचीत होती रहेगी कभी कहीं ना कहीं मिलेंगे, हमारा भी थैली सैंड आना जाना रहेगा कई कार्यक्रम में, क्षेत्र हमारा गांव दर है पर कभी शादी ब्याह में कभी ना कभी आना तो जाना रहेगा ही रहेगा। तो आप सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद और भोजन माता का भी धन्यवाद कि उन्होंने साथ निभाया हमारा, भले कभी हो गई हो ऊपर नीचे थोड़ा तो हम पे प्रेशर रहता है तो कर देते हैं पर ऐसा नहीं रहा, वो भी काफी शांत है, खाना भी ठीक बनाती है, टाइम पे रहती है, ऐसा भी जल्दबाजी भी नहीं करती आने जाने में, तो भोजन माता के भी सहयोग देने के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथ ही बच्चों जो आपके थोड़े कलर लेके आया था
मेरी तरफ से, ठीक है ना। आ जा रिंकी, कौन कौन है सब आ रखे हैं बच्चे? सपना, दुर्गा और क्या है, सोनम, रिंकी, रिंकी तो आ गई है, ठीक आ जाओ। अंकित और कौन रह गया? इशू तो है। तो जा रहे हैं हमारे सर जी, हमारे प्रिया चाचा जी, जो कि माल अर्पण करने जा रहे हैं गुरु जी को। तो अभी तो बड़ी बड़ी भीड़ लगी है माला अर्पण वालों की। मत यूट्यूब बोलो तो सारे गांव वाले बैठ रखे हैं यहाँ पे, देखिए। और भाभी जी भी आगे बढ़ती हुई। तो हमारे लक्ष्मी पहाड़ी, जो कि गुरु जी को अपना प्यार भरा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद भाई, कैमरा पर्सन, वेलकम वेलकम। तो सभी अभिभावक एक एक करके माला अर्पण इस वक्त गुरु जी को कराते हुए। तकरीबन हमारा गांव तो छोटा सा है, लेकिन गुरु जी का गला भर चुका है अब तक। और गुरु जी से आशीर्वाद लेते हुए सबकी ग्रुप फोटो यहाँ पर लेते हुए इस बार गुरु जी हमारे जितने हमारे गांव वाले हैं ग्रुप फोटो यहाँ पर लेते हुए। और एक पल बहुत भावुक पल हो जाते हैं। अभिभावकों के बाद अब बच्चों की बारी आ चुकी है। छोटे आ जा रही है, बालिका जा रही है। बहुत बढ़िया, चलो तो चलो। अब तुम घर बहरी मजोर हैं बड़े आते हैं सुन तो रहे हैं। तो हमारे सरजी का नया लोग कुछ इस तरह से हमने कर दिया है। कुछ देर पहले उनका गला बिल्कुल खाली था, हमने मारू से इतना भर दिया कि कुछ नहीं बोल नहीं किया है।
तो आखिरकार विदाई समारोह समाप्त हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। तो विदाई समारोह सक्सेसफुली समाप्त हो चुका है हमारी तरफ से। अब खटाई मिठाई का वितरण होगा तो कर देंगे। सफा चार तो नहीं कर दिया, छाप हो गया पूरा। जो बाद में आए यहाँ पे बाहर नहीं बताया था, पूरा खा गए। और हमारी भोजन माता का बहुत ज़्यादा लगाव था तो भावुक उनका होना बहुत लाजमी था। तो लास्ट मोमेंट अब यहाँ पे समाप्ति की तरफ, लास्ट सेल्फी। सभी चलो ग्रुप है पूरा, और चल जाओ चलो। हम भूल गए जा रहे हैं। हां कुछ नहीं, सिर्फ चलो सब चले, सब आ जाओ, सब आ जाओ। अरे बच्चों तुम भी आ जाओ, सब आ जाओ, बैठो बेटा, सब आ जाओ, सब आ जाओ, बैठ जाओ नीचे। चलो तो कुछ दूरी तक आप गुरुजी को भेजने जाते हैं पूरे गांव वाले, एंड तक एक रैली बना के चलते हैं यहाँ से। छोटे से गजन भजन के भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है, तो जो कि शुरू कर दी गई है। पूर्व स्टूडेंट मनोज सिंह फ्रॉम डोरिया। तो चलो जी दोस्तों, फाइनल स्टेप अब शुरू हो चुका है। गुरुजी की विदाई करते हैं ठीक यहाँ से मोटर रोड तक। तो सड़क पर जाकर गुरुजी को मेन रोड तक छोड़ के आते हैं। प्रणाम प्रणाम। चलिए जी पहुंच चुके गांव तक, देखो कहां तक जाते हैं। चलो 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 चलो, रोड पे तक भेज जाते गुरु जी, रोड तक। हाँ जाता गाड़ी है, चलो चलो चलते जाओ, अच्छा लगेगा ना। चलो चलो चलो, फलान जाना है।
तो सभी लोग भाग खो चुके हैं। होना भी बहुत लाजमी था, हमारे इतने पुराने गुरुजी आज हमारे गांव से जा रहे हैं हमें छोड़कर। तो ये पल बहुत भावुक हमारे लिए, छोटा सा हमारा गांव। तो अपने गांव से काफ़ी आगे हम निकल चुके हैं अभी तक। लो जी बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा रौनक लगा दी भाई बाजा वालों ने। लो जी पहुंच चुके हैं मेरा रोड तक। अरे यहाँ झुमर की फसल देखिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी फिलहाल दिखाई दे रही। चलो जी पहुंचे, चलो तो हो चुकी है गुरु जी की मिठाई फाइनली। तो हम भी चलते हैं घर को। हाँ ये तो अपने पास रख लेना, फिर कल अपने आप चलो ठीक है। ठीक है चलो फॉर बैग छोड़ने के लिए यहाँ तक आ जाना। हाँ जगह चलो बाय गुरु जी। ठीक है बाय सर, बाय सर, बाय बाय सर, बाय। ठीक है सर, आपका धन्यवाद, आपने भी साथ साथ से सहयोग दिया। जी गुरु जी, जी धन्यवाद।